कैसे आप सब? आप सबको अनुजी की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10, तो चार और भाई सोया था पिछला ब्लॉग देखा। अभी हम पहुंच गए बटाला भाई पास, अमृतसर ही पार किया, बटाला बाईपास पहुंचने वाले हैं। तो अपन तो टाइम से ही चल रहे हैं, मौसम यहाँ पे भी सही है। अब ऑप्शन तो ये है ना, मतलब गाड़ी खाली करने के बाद हमें वापस से पंजाब ही आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से इतना लोड नहीं है। पंजाब से आलू चल रहा है, तो आलू वगैरह भर के वापस निकलेंगे। अब खाली आज पता नहीं होगी नहीं होगी, जो दूसरी गाड़ी है हमसे आगे गई है ना, वो भी आज ही पहुँची है, क्योंकि वो अकेला बनता है चलने वाला। तो अपना दिन का टाइम ऐसे का, मतलब टाइम तो लिखा नहीं है बिल्टी में कुछ की भाई इतना इनाम है कब पहुँचो। देखते हैं, अभी उनको पूछ लेंगे आज खाली करेंगे या कल खाली करेंगे। मुझे तो कल ही गाड़ी खाली होगी, और ना मौसम यहाँ पे सही है यार। दिन को मतलब यहाँ का मौसम ऐसा हो गया कि रात को मतलब मौसम ठंडा है और दिन को धूप पे गर्मी भी है भाई, मतलब मिक्स हो गया मौसम यहाँ पे। पिछला चक्कर यहाँ से जब केला पर के तब बॉर्डर ये जो टोल है सब टोल बंद थे, पर इस बार कोई टोल बंद नहीं है, इसमें सब टोल कट रहे हैं। एक बंद था राजेश्वर, एक बंद मेरा। चलो गेहूँ भाई आ गया भाई आगे गुरदासपुर वाला नाका, यहाँ से राइट जाना सीधा चला गया सिटी में। अभी 11:15 हो गए और हम सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट हम करेंगे ना अपना जे एंड के में एक इंटर करके, वहाँ पे एक ढाबा है, वहाँ पे हम जब सेब भर के आते थे वहाँ दो तीन खाना खाया, वहाँ ठीक है यार, बढ़िया भी है। पहुँच आए भाई हम सीधा लखनपुर, वहाँ सामने आ जाएगा वो चौक, यहाँ से एक रास्ता दिल्ली की तरफ चला गया तो एक रास्ता आ गया अमृतसर की तरफ। वहाँ सब कटवाते हैं आगे, मतलब टोल वगैरह कटवा के बॉर्डर करते हैं पार, वहाँ पहले खाना खाएंगे फिर डालते हैं तेल थोड़ा, उतना ही डालेंगे जब गाड़ी जम्मू पहुँचे, अपना जम्मू घुमाएंगे। गाड़ी जब किराया मिलेगा फ्री टंकी फुल होगी। आप दिन को भी निकलेंगे धीरे धीरे ना, उन्होंने बोला शाम को पहुंचेगा तो भी खाली हो जाएगी, बट है नहीं तो सुबह खाली होगी। बट हम रिक्स नहीं लेंगे यार, और खर्चा है पुलिस खर्चा, तो उस हिसाब से देख देख के निकलेंगे गाड़ी वालों से पूछ पूछ के। तो ये चला जाएगा यहाँ से घर, खुशी बड़ा है। सुबह फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा अकेला, कल गाड़ी खाली कर दूंगा, फिर देखते हैं उसके बाद। जहाँ पहुँच के ना एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, मतलब ऐसा लगता है हम पहली बार जा रहे हैं। होता ना इंसान सोचता है मैं पहली बार जा रहा हूँ, वैसा सोचता है वैसी खुशी मिलती है इस चौक में पहुँच के। पता नहीं क्यों यार, यहाँ से हम जे एंड के में एंटर करते हैं, और इंसान जहाँ मर्जी चला जाए, मतलब आउट ऑफ कंट्री भी चला जाए जहाँ मर्जी, पर अपना घर इंसान को अपना घर है यार, जैसा मर्जी है वो यार। आने वाला बस बॉर्डर, यहाँ पे ना चेयर्स वगैरह मिलती हैं जो हाथ से बनाई जाती हैं, हालांकि ये और ये ना महंगी तो होंगी यार। अब एक चीज मशीन से चीज़ बन रही है या हाथ से चीज़ है वो तो महंगी होगी। देखो यार यहाँ पे जिनके घर है ना, ट्रेन आने वाली है, देखो फाटक बंद हो गया ना, अब पता नहीं कब तक आएगी, यहाँ से आ रही है वहाँ से आ रही है। ये घर मतलब ये रोड ये ट्रेन, सेंटर में जिसका घर होगा उसको तो मज़ा ही मज़ा, उसकी वैल्यू कितनी इस भीड़ की। यहाँ से आ गए मेमून कैंट, आर्मी कैंट है, यहाँ से ना काफ़ी माल लोड वगैरह होता है। क्या भाई मेमून कैंट अभी पार ही करते, इसको आया दिमाग में पता नहीं किसको, अपनी बांजी के लिए, बहन की बेटी है छोटी उसके लिए लेनी थी चेयर और टेबल कुछ, तो वो कर रहा है पसंद, उनको दिखा रहा है वीडियो कॉल करके, तो मतलब मैं ही चलता हूँ। देखो भाई हालत चेहरों की, चार नहीं डालने यार, ये सही है यार, ये तो सीजन निकालेंगे मुझे लगता है, इन पे तो माल भी अच्छा है, और जो इसके साथ वाला है ना वो भी सही है। देखो यार ये तो साथ का नया टायर है, मतलब ये तो केसिंग वाला ही, और ये नया है इसके साथ, अभी वो डालेंगे। ले ली भाई यहाँ पे कुर्सी है दो, ये भैया कुर्सी रखी थी, बैठ बैठ। मोर आ गया अपना 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर ओनली, और बॉर्डर 1.5 किलोमीटर। ये पंजाब वो पावर बिल्डिंग जम्मू, मतलब देखो इंसान है कैसे, ये तो एक स्टेट बॉर्डर आ गया। अगर हम ना जैसे हम श्रीनगर जाते हैं वो कुपवाड़ा वाली साइड, तो कुपवाड़ा भी और ये बारामूला से आगे ओडी वाली, तो वहाँ पाकिस्तान में सामने दिखता है, ये इंडिया वो पाकिस्तान, ऐसे कई जगह पे चाइना, लद्दाख में भी चाइना के घर दिखते हैं कई जगह से, तो सिर्फ ना ऐसी बाउंड्रीज बन गई यार। अगर होता कितना हमारी, अगर कोई देश ही नहीं होता हम हर जगह जाते, कोई पासपोर्ट नहीं, मतलब जैसे चेकिंग होती बॉर्डर चेकिंग, जैसे स्टेट में इंटरनेशनल चेकिंग होती है, वहाँ पे जाते हैं माल लेके यहाँ से वहाँ गाड़ी जाती, कितना लंबा लंबा रूट था, कहाँ पे भाई श्रीलंका, कहाँ भाई बांग्लादेश, मतलब अपने जो एशियन कॉन्टिनेंट में आते हैं वहीं पर, बाकी दूर हो गए इतनी कहाँ ट्रैवल करेगी गाड़ी, फिर वहाँ की गाड़ी यहाँ पे आती है एक्सपोर्ट होती, यहाँ के ट्रक वहाँ पे होते यार, वहाँ तो महंगे हैं, वहाँ की लाइफ ही अलग है, जैसे अमेरिका कनाडा की वहाँ की गाड़ियाँ अलग हैं। जम्मू में इंटर करो को पहला टूर ऐसा देखने को मिलेगा जो बेचारा नहीं कब तक गिर सकता है, कब तक नहीं है, कब तक है कब तक नहीं पता नहीं, और रोड की हालत एकदम से बिल्कुल ख़राब, छोटी गाड़ी वहाँ से जाएगी पर ट्रक वालों के लिए, पता नहीं ट्रक वालों छोटी गाड़ी वालों में ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं, हालांकि हमारा टोल ज़्यादा मिलता है इनको,
बहुत ज्यादा है यहाँ पे, हमारा 400 से 500 होगा। सबसे पहले नहाएंगे पर यार, अब पहले खाना खाते हैं, ढाबा मिल गया है, गाड़ी खड़ी की, अब देखते हैं ना आगे। सब कह रहे हैं मत जाओ अभी, परेशानी होगी तो जरूरी जाना आगे, फिर पहले यहाँ पे तेल वगैरह लगा के रुक जाएंगे। एक बज गया, खाना भी हो गया, अब चलते हैं पंप पे, फुटा लगा के मैं डीजल चेक कर लेंगे कितने में आएगा। अभी ना 2 मिनट क्या हुआ कि कल मैं लाइसेंस का लेके गया ना चलान करवाने के, तो मैं लाइसेंस डाल दिया जैकेट की इस वाली जेब में, और यार अब मैं यहाँ पर रखते वहाँ में देख रहा हूँ मुझे जैकेट और लाइसेंस नहीं मिल रहा, भाई जान निकल गई मेरे को यार। अब मैं रजेश को बोला इसकी 2-3 स्कैन कॉपी करवा लेना, एक बार टेंशन होती रह भी जाता है यार पुलिस वालों के पास, तो चल स्कैन होगा। चल यहाँ डालते हैं डीजल, डाल लिया यहाँ पे 1800 का डीजल डाल लिया, 2000 कैश ले लिया, क्योंकि रजेश भी घर जाएगा, उसको भी पैसे चाहिए और मेरे पास खुद भी नहीं थे, पूरी ऊपर से कितनी मिट्टी हो गई है। अब देखते हैं यार क्या करें, सोच रहा हूँ आगे कहीं रुक जाएँ या चलें, रिक्स ही है यार दिन को चलना यहाँ पे अभी 31 मार्च करके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी हाइट की दिक्कत आएगी ना, मतलब क्या 500-2000 का चलान हो गया बिना, मतलब कल एक गाड़ी का अपना 22000 का हो गया था। श्रीनगर जाने वाली गाड़ियाँ भी रोक के रखी, और हमें गोप्रो से शूट करेंगे, क्योंकि भाई रीज़न अब ऐसा हो गया ना, अपने पास फ़ोन में लगाया ब्लॉग सेव के लिए, ब्लॉग लंबे बन रहे ना तो टाइम लग रहा है, और गर्मी की वजह से फ़ोन भी हीट हो रहा है। रजेश भी हो गया रेडी घर जाने के लिए, देखो यहाँ से बस में जहाँ था मैं चल पाऊँगा चलूँगा, यहाँ लगा अब मैं चला नहीं होना चाहिए यार, आगे कल भी करवाया आपको पता है 5000 का। कहाँ जा रहे कान भाई में? रोड का काम चल रहा ना, कुछ पता ही नहीं चलता यार, काम पे नाका होगा काम पे नहीं है, ऐसी टेंशन सी हो गई है। सोचो यार रुक गए, तो रजेश को बस से बिठा देते, पता भी चल जाएगा अगर नाका वगैरह है या नहीं, और रजेश भी निकल जाएगा। इतने सारे डाइवर्शन से ना समझ नहीं आ रही यार रोड है कहाँ से यार, आपको इंसान भूल ही जाए, दिन को गाड़ियाँ चल रही है लैंडमार्क के बीच में चलते रोड, पूरा काम काज चल रहा है। ये बन रही है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, इस पुल की वजह से हम भी भाई कितनी बार वो नीचे से घूम के जाओ, तो नाले से घूम के जाओ, जहाँ फिर नीचे गांव से 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाता है, और ये पुल दोनों एक साथ टूट गए थे, वो उस तरफ से देखो वो गाड़ियाँ जा रही हैं, जो ट्रक भी नीचे से, यहाँ भी हम भी अब सामने पहुँचने वाला हूँ मैं भी। इतना टाइम लगा था ना इस रास्ते में यार, अभी हम चले रहे, मैं सोच रहा बड़ी बड़ा पहुँचे, यहाँ से रजेश आ जाएगा वहाँ से दूसरी गाड़ी में घर, तो वहाँ से एक ही नाका खुंचवाने वाला, वो भी पूछ पाछ के पार हो गया, तो वहाँ से हम नरवाल पहुँच जाएंगे। जल्दबाजी इसलिए करो शायद शाम को गाड़ी अपनी खाली हो जाएगी, शाम को खाली होगी फिर फ्री हम कल। पहुँच गए हम सांबा, तो चलो बाईपास के ऊपर से, वो पार से आएगा दार रोड वाला रास्ता, गाड़ी यहाँ पे भी रोकी होंगी काफ़ी, अभी यहाँ था तो कोई पुलिस वाला ट्रैफिक वाला ऐसा मसला नहीं पड़ा, देखते हैं आगे। अब वाशरूम में जाना यार, सुबह से वाशरूम नहीं गया, बहुत दिक्कत भी है यार, हाँ परेशानियाँ बहुत हैं छोटी छोटी सी। देखो सांबा सिटी ऊपर से कितनी प्यारी लग रही, पर यहाँ नीचे ना सिंगर रोड, जब मैं यहाँ पे गाड़ी सीखता था अमर मिल में, अब तो भाई बड़ा यहाँ पे जाम वगैरह रहता था। यहाँ पे भी भाई पूरी कानवाई रोकी हुई है, वो देखो गाड़ियाँ कहाँ कहाँ लगाई है यार, क्या ही करे इंसान यार। अब हमें यहाँ से फ्लाईओवर के ऊपर चलना है, हमें इंतजार रोड में जाना नहीं है, ताकि हमें बोलेंगे कहाँ जा रहे हैं, हमें सीधा जाना, बात खत्म। बहुत गाड़ियाँ यार यहाँ पे यार, हमारा ना फैसला बड़ा सही था जम्मू भरने का यार, नहीं तो हम भी यहीं कहीं लाइन में होते, कच्चे माल यहीं रोकी हैं, अभी बड़ा जाम रहने वाला। देखो यार चिची माता मंदिर, हालांकि जो दारो कट वो पीछे से है, पर गाड़ियाँ आगे आ गई हैं, देखो यहाँ से मुड़ गई, ये क्या प्याज भरा आलू भरे हुए इसमें, देखो आलू प्याज सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, भोले माता जी का मंदिर, जय माता जी, और यहाँ देखो लाइन बढ़ती जा रही है, कहाँ तक है वो नीचे तक, इस चीज़ को हम कानवाई कहते हैं, मतलब गठी गाड़ी निकलती है ना तो, और यहाँ दार रोड से सिर्फ 10 चक्का तक गाड़ी आती है, सोचो आप सिर्फ 10 चक्का तक, कोई कोई बाउंड्री खड़ी है पर पता नहीं क्यों खड़ी है, क्या सीन है, पर यहाँ से परमिशन 10 चक्का हो गई है। जो भी ट्रक वगैरह आ रहे हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ आगे कोई है, वो तो इशारा कर रहे हैं कोई नहीं भाई ऑल क्लियर आ जाइए, तो यही हमारा एक कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है, कोई फ़ोन नंबर नहीं, कोई पहचान नहीं, हाँ भाई ट्रक वाला है अपना भाई है, बस हम यहाँ से ना उसे अपना एक तरीका वो दिखाएंगे किसी दिन वीडियो में, वो क्या तरीका, मतलब हम लाइटें उनको ब्लिंक करेंगे और वो समझ आते हैं, ये चीज़ वो पूछ रहे होंगे कि आगे है, हाथ से इशारा करें भाई है कोई, हम उनको यहाँ से हम आ रहे हैं, हम उनको बहुत बता देते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है सेफ आप चल सकते हैं, और वो हमें बता देते हैं, ये कम्युनिकेशन भाई विदाउट नेटवर्क विदाउट लाइट विदाउट बैटरी। रजेश चला गया घर पे और मैं पहुँच गया बड़ी ब्राह्मणा, अब मैं अकेला
बस एक आगे है परमंडल मोड़, वो नाका नहीं, और फिर मैं सीधा कुंजवानी, दो जगह टेंशन है, सीधा नरवाल पहुंच जाऊंगा मैं, फिर क्योंकि गाड़ी शाम को खाली होगी ना, तो मैं अकेला हूँ तरपाल खोलने में, चल किसी ना किसी भाई को बुला लूंगा, सुबह 5 बजे किसको बुलाऊंगा वहाँ पे भी। गाड़ी वाले भी गाड़ी लेके आ जाते हैं, देखो यहाँ से उधर जाने का, नीचे जाने का सिग्नल ग्रीन है ना, अब मेरे को यहाँ से नीचे जाना है, अभी इसने आगे खड़ी कर दी भाई ने, क्योंकि थोड़ा छोटी गाड़ी है, कहीं भी खड़ी कर सकता है, इसको ट्रैफिक वाले नहीं पूछेंगे, मैं यहाँ पे गलती करूँगा, मेरा यहीं चलाना चाहिए, इसको नहीं पूछेंगे, अब इतना एक मिनट पूरा वेस्ट पड़ी, तो यहाँ से मेरे पीछे और जो गाड़ी नरवाल जाने वाले की सबकी लाइन रुकी पड़ी है सिर्फ एक गाड़ी की वजह से। क्या यार, कम से कम रूल तो सारे पता ही होने चाहिए थोड़े। पहुँच है भाई नरवाल, खाली करते हैं, शाम को मज़ा ही आ जाए यार, पर जो गाड़ी खींचने का 200 रुपये एंट्री भी पड़ गई, चलो नॉर्मल ही है, अगर एक पूरी स्टेट पार करने में, मतलब अपनी गाड़ी खाली करने में 200 एंट्री पड़े वो ठीक है। और एक लैदर भी आवाज़ करें, चेक करवाने इस बार लैदर। पहुँच गए भाई फाइनली मंडी, यार ब्लॉग अपलोड नहीं किया अभी, बस यही करना रह गया, याद भूल गई मेरे को। जम्मू सब्जी मंडी है, आ गई, क्रिकेट चल रहा है, हम आया ऊपर, अपनी गाड़ी ना उस तरफ है, और ये जगह बिल्कुल याद होगी, हमने क्रिकेट भरे यहाँ से एक बार, अभी लगा दी, उस्ताद जी मिल गए, उस्ताद जी की खाली हो रही है, बाकी भी भाई मिले, भाई है पिकअप है भाई की, अब देखते हैं अगर बोलेंगे तरपाल वगैरह खोलो तो फिर खोल देंगे, अगर खुल गए तो समझो फिर गाड़ी खाली हो जानी है एक दो घंटे में, ये भाई की गाड़ी, अब देखते हैं कहीं बनता है। वहाँ से क्रेट भरे थे, ये देखो कितने क्रेट है, भैया आ गए ना, उनकी गाड़ी वहाँ पर खाली होगी, होगी तो हेल्प होगी, रास्ता तरपाल ने खोल दिया, बहुत ज़्यादा खोला देखिए, अभी खाली होगी सुबह होगी, तो वो जब भी करेंगे फट्टे वगैरह खोल लेते हैं, यहाँ से लगती है हाइट, और कहाँ कितना ऊँचा, अपना नहा धोना भी हो गया, गाड़ी आधी खाली हो गई शायद, कह रहे हैं पूरी खाली कर देंगे, तो बस खाली कर दें, सुबह गौरव आ जाएगा, और जेश भी कह रहा है, तो मेरे को सुबह जाना है, एक जगह जाना है, कल का ब्लॉग अलग रहने वाला, थोड़ा घूमने वाला रहने वाला है।